हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस पिल। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी हमें किसके साथ लेनी चाहिए, कॉफ़ी से पहले क्या लेना चाहिए, कॉफ़ी के बाद क्या लेना चाहिए, कॉफ़ी के हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेज है या क्या नुकसान है कॉफ़ी को लेके, तो आज हम उसको पोर्शन को क्लियर करेंगे। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्लाइंट को भी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन कॉफ़ी ले सकता है, कौन कॉफ़ी नहीं ले सकता है, कि फैट लॉस वाला ही कॉफी ले सकता है या मसल गेन वाला भी कॉफी ले सकता है। तो आज सारी बातें हम करते हैं कॉफी के बारे में। कॉफी आपको कब लेनी है, आप खाली पेट भी कॉफी ले सकते हैं, ऐसी कोई अभी तक स्टडी नहीं है जिसमें कॉफी खाली पेट लेने पे कोई नुकसान बताया गया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कॉफी खाली पेट भी ले सकते हैं और उसके साथ में कोई फूड भी आप ले सकते हैं। जैसे कि हम कॉफी से पहले क्या ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं और प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कॉफी से पहले कुछ लेना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, फाइबर या प्रोटीन होना चाहिए। और कॉफी के बाद आपको क्या लेना है, कॉफी के बाद में आपको क्या होगा कि थोड़ा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको ऑल डे पूरा दिन आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है अपना। तो आप उसका भी ध्यान रखें, पानी समय समय पर पीते रहें। फिर आती है कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए, इसमें होता है मेन पोर्शन कैफीन का। तो कैफीन आप 400 mg पर डे ले सकते हैं, वो सेफ डोज है, कोई नुकसान नहीं करेगी, उससे कम ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। कई बार हमारे सप्लीमेंट होते हैं, प्री वर्कआउट होते हैं, उसमें हमारा कैफीन होता है, इसलिए जब भी आप अगर कोई प्री वर्कआउट डाइट में कैफीन ले रहे हैं या फिर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं प्री वर्कआउट, तो आप उसमें ध्यान रखें कि कैफीन आपका क्या डोज में है। अगर आपका कैफीन उसमें 400 mg में है, डोज में है, तो आपको कॉफी की कोई नीड नहीं है, तो आप उसका ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप कॉफी भी लेते रहें प्लस जो आपका प्री वर्कआउट कोई सप्लीमेंट है उसमें भी आप कैफीन की डोज लेते रहें, तो वो आपको हार्मफुल रहेगी, उसके आपको डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब आते हैं इसके बेनिफिट के ऊपर, मेन बेनिफिट इसके क्या है। ये आपका मेटाबोलिज्म बहुत अच्छा करता है। अगर मेटाबोलिज्म की बात करें तो कॉफी बूस्ट करता है आपका मेटाबॉलिज्म। फिर ये प्रोसेस करता है ग्लूकोज को, शुगर को, जो भी आप शुगर इंटेक ले रहे हैं या ग्लूकोज ले रहे हैं या आपकी डाइट में शुगर या ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको प्रोसेस करता है ये, तो उसमें भी हेल्प करता है। लीवर, लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लीवर को भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देता है। आप डिपेंड मत हो जाना कि मैं कॉफी पी रहा हूं तो मेरा लीवर अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है इनडायरेक्ट। और आपका जो डीएनए है वो ये स्ट्रॉन्गर करता है, तो कॉफी आपका जो डीएनए है वो स्ट्रॉन्गर करता है और जो भी डीएनए रिलेटेड डिजीज है वो होने के चांस आपको कम हो जाते हैं। तो आप उसका ध्यान रखें कि हम बेनिफिट के लिए ले रहे हैं तो डोज ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ओवरडोज आपको नहीं लेनी है। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। अभी तो हमने इसकी बेनिफिट्स पढ़े, हमने कि हमारे कॉफ़ी से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आपको वर्कआउट में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जिम से लेके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इसका, अलर्टनेस आपकी बनी रहेगी, आप देखेंगे आपका जो वर्कआउट है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आप अवेक रहेंगे वर्कआउट के दौरान, आपका अटेंशन बना रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इनसोम्निया, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसको लेने के बाद में थोड़ा आप अलर्ट रहते हैं तो आपको नींद जल्दी से नहीं आएगी, तो इसलिए अवॉइड करें, नाइट में ना लें कभी भी कॉफ़ी को, नाइट में ना लें क्योंकि इसका इफेक्ट हो सकता है कि आपको नींद आने में दिक्कत हो या आपको लेट नाइट नींद आए। और ये क्या करता है, कॉफ़ी फास्ट कर देता है हार्ट रेट को, हमको वर्कआउट के टाइम पे भी हार्ट रेट हमारी थोड़ी सी फास्ट चाहिए होती है, इसलिए हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। जब भी आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी हार्ट बीट, आप देखा है ना, आप आती पहले क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप क्यों करते हैं, ताकि हमारी हार्ट रेट एक अच्छे लेवल पे आ जाए, तो आप इसका भी ध्यान रखें। ये आपका बेनिफिट भी हो सकता है और आपको ये नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डोज ली तो ये हार्ट रेट ज़्यादा कर देगा, कहते ना कि आपका बीपी बढ़ सकता है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन, कॉफ़ी डिहाइड्रेशन करता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको पूरे दिन पानी का पोर्शन अच्छा रखना है, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, तो वो डिसएडवांटेज को आप रोक सकते हो, आप उसको
डिहाइड्रेशन को कम कर सकते हो वाटर इंटेक आपका अच्छा करके। ये आपके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज होगी कॉफी की। और कॉफी कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, मैं फैट लॉस कर रहा हूँ क्या मैं कॉफी ले सकता हूँ? हाँ, आपको भी मेटाबॉलिज्म अच्छा करने की जरूरत है। मैं मसल गेन कर रहा हूँ या बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ या फिर आप मेरे को वेट गेन करना है, तब भी आप इसकी डोज ले सकते हैं। लेकिन डोज मैटर करती है, आप डोज इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। वर्कआउट आपका इफेक्टिव रहेगा, आप अवेक रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे पूरे टाइम में, तो आप उसका ध्यान रखें। लेट नाइट आप कैफीन ज़्यादा यूज़ ना करें, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्निया कहते हैं जिसे, तो आप उसका ध्यान रखें। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या बोलते हैं कि मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बनी है, मैं तो फैट लॉस कर रहा हूँ या मैं मसल गेन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।